जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, प्रेमी भक्तों, ईश्वर की अपार कृपा आप पे सदैव बनी रहे, आप सदैव खुश रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। राम नाम का जप बंद नहीं हो सकता, चाहे आप कहीं भी चले जाना, यदि आपने यह कर लिया तो। ऐसा तो सभी चाहते हैं कि उनका जप निरंतर चले, कभी बंद ही ना हो। और ऐसे साधक हैं जिनका नाम जप चलता ही रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, सुख आ जाए, लाभ हो, हानि हो, यहाँ तक कि मृत्यु भी किसी की हो जाए तो भी उनका जप चलता ही रहता है। सोते समय भी चलता है, काम करते समय भी चलता है, हर परिस्थिति में उनका नाम जप चलता है। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, किसी भी जगह पर चले जाएँ, कितना ही व्यस्त हो, उनका नाम जप छुपता नहीं है। देखिए, ये स्थिति आसान भी है और आसान नहीं भी है। जो निरंतर करेंगे, गुरु पर जो विश्वास रखेंगे, तो वो जो है यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और जिनको विश्वास नहीं होता है, जो निरंतरता से नहीं चलते हैं, तो वो कभी भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। नाम जप की जो शुरुआत होती है वो बैखरी वाणी से होती है। जैसे कि वाणी से बोलना, ये बैखरी वाणी होती है, यानी कि हम मुँह से बोलते हैं। तो ये जब स्थिति होती है तो ना महाराज आपके मुख पर विराजते हैं, आप मुख से बोल बोल कर जप करते हो। फिर जो है धीरे धीरे जब आप करते हो, नाम जब आपके अंदर में उतरने लगता है, तो नाम महाराज आपके कंठ में आकर विराजते हैं। जब फिर उस समय पर आपका जो है जीभ से और कंठ से जप होने लगता है, यानी कि उपांशु जप होने लगता है। फिर धीरे धीरे आप निरंतरता से करते रहते हो तो नाम महाराज आपके हृदय में आकर विराज जाते हैं, और हृदय से जप होता है, यानी कि मन से। ये स्थिति भी ऐसी होती है कि बहुत सारे साधकों का नाम जब यहाँ जब पहुँच जाता है, यानी कि पश्यन्ति तक, तो अपने आप ही थोड़ा थोड़ा चालू हो जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से अपने आप चालू जब होता है, जब नाम महाराज नाभि में आकर विराजते हैं, और प्रावाणी से जब आप ध्यान करते हो, जप करते हो, यानी कि प्रावाणी यानी कि श्वासों के द्वारा जब आप जप करते हो, तो नाम महाराज आपके अंग अंग में, रोम रोम में समा जाता है, पुलकित तो हो उठता है आपका रोम रोम, और हर समय हर पल आपका नाम चलता ही रहता है। आप छोड़ना चाहोगे तो भी छुड़ेगा नहीं। जैसे भक्त प्रहलाद ने नाम जप किया तो उनके पिता ने अनेक प्रताड़नाएं दी, उनको दुख दिए, पहाड़ों से गिराया, अग्नि में जलाया, तेल के कढ़ाई में डाला, तो उनकी माँ ने कहा, बेटा मैं तेरा दुख देख नहीं सकती, तो इस नाम को छोड़ क्यों नहीं देता है। तो प्रहलाद ने कहा, माँ मैं तेरा सब कहना मानूंगा, लेकिन ये कहना नहीं मान सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस नाम को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन ये छोड़ने देता नहीं है, ये अपने आप ही चलता है 24 घंटे, और मैं ना भी जपूँ तो ये मुझे याद दिलाता है कि जपो नाम जपो। तो ऐसी स्थिति जब आती है, जब आप पूर्णतः शरण हो जाते हो नाम महाराज की, और अपने श्वास श्वास में राम को रमा लेते हो, हर श्वास में उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते और प्रातःकाल उठ करके नाम जप करते हो श्वासों के द्वारा, तब ऐसी स्थिति आती है। तो यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो निश्चित तौर से आपके ऊपर परमात्मा की असीम 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 कृपा है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना आसान काम नहीं है, पात्र ही यहाँ तक पहुँचता है। तो आप जो है अपने आप जप रहे हैं तो भी निरंतरता से जपें, गुरु के द्वारा आप मार्गदर्शित हो तो जो गुरु कहे हैं तर्क वितर्क नहीं करना है, उसी के अनुसार आप आगे बढ़ते चले जाएं, तो निश्चित तौर से आप कहीं भी चले जाना, आपका नाम जप बंद हो ही नहीं सकता, अपने आप चलेगा। आप जैसे साधक ही बताते हैं, और ये हमारा तो प्रैक्टिकल है ही, और संतों का भी प्रैक्टिकल है। आप समझें या ना समझें, जितने भी हम वीडियो डालते हैं सभी में हमारे प्रैक्टिकल होते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई है तो निरंतरता से जपें, औरों को भी जपाएं, वीडियो को शेयर करें, कोई भी प्रश्न हो यूट्यूब पर पूछें, व्हाट्सएप नंबर है 9958515054, वहाँ पूछें। आप ऑनलाइन गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं तो भी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और यदि आप आना चाहते हो दिल्ली के सत्संग में, जो कि 21 जुलाई को गुरु पर्व पर है, तो जल्द से जल्द अपना मैसेज करें कि हमें फॉर्म भेज दो, समय बहुत कम है। और यदि आप कोई भी सामान खरीदना चाहते हो, अभिमंत्रित सामान है, साधना का सारा सामान है, आसन है, मैट है, पिलो है, अभिमंत्रित धागा है, अभिमंत्रित जल है, जो सभी बीमारियों को दूर करता है, नेगेटिविटी को भगाता है, तो इसी नंबर पर मैसेज करें। और यदि आप अपनी इच्छा से कोई भी सेवा देना चाहते हैं, आप नंबर पूछते हैं इसीलिए बता रहे हैं, तो सेवा का नंबर भी और व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम। जय जय।